अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को पाक रेल जंक्शन की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। नेक्स्ट रेलवे स्टेशन जो था वो पेशी रेलवे स्टेशन था, और पेशी रेलवे स्टेशन के बाद जो स्टे था वो आबेगुम रेलवे स्टेशन पे था। अभी हम लोग पेशी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। चटियल पहाड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे, खुश क्योंकि गर्मियों में शदीद गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में शदीद यख दस्ता। जाफर एक्सप्रेस आवाज़ जो ट्रैक साउंड है यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार है। उसके बाद आर जी ई एक्सलरेशन, आर जी ई का हॉर्न बहुत ही मशहूर कुन है। अच्छा, आबेगुम रेलवे स्टेशन वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर जो कोयटा की तरफ ट्रेन जा रही होती है उसको डबल इंजन लगा दिया जाता है। एक इंजन जो उसको पुल कर रहा होता है, एक इंजन उसको पुश करता है। पुश करने वाला इंजन है उसको हम लोग बंकर इंजन कहते हैं। इसकी वजह अभी उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक स्टीप स्लॉप है, बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है और सिंगल इंजन उसको पुल नहीं कर सकता। इस वजह से डबल इंजन लगाया जाता है ताकि गाड़ी आराम से चढ़ाई चढ़ सके। आराम से तो नहीं चढ़ सकती, लेकिन फिर भी एक कोशिश की गई है कि गाड़ी को आराम से जो है ऊपर चढ़ सके और रिवर्सल ना लगे उस पर। तो ये एक वजह है। इस वक्त हम लोग तकरीबन पेशी रेलवे स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। सिग्नल आपने देख लिया है, थोड़ी देर में स्टेशन हम लोग पहुंच जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन बनाया गया है। जितने भी ये कदीमी दौर के रेलवे स्टेशन हैं जो कि बलूचिस्तान में बनाए गए हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि सफारी ट्रेन अगर यहाँ पे शुरू की जाए तो एक बहुत ही बेनिफिशियल और जो है रेवेन्यू देने वाली एक ट्रेन साबित होगी। अगर कोई रेलवे अथॉरिटी या गवर्नमेंट का कोई बंदा सुन रहा है तो वो इस मशवरे मुफ्त से फ़ायदा उठा सकता है। ये रहा पेशी का रेलवे स्टेशन। कुछ सेकंड के लिए गाड़ी यहाँ पर रुकेगी और फिर हम लोग आबेगुम रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। कृषि रेलवे स्टेशन कल आप में ट्रायल होगी। अफसरान बाय रोड आएंगे जैसे भी सही सुबह दस बजे कल GU20 का ट्रायल है। जी GU का ट्रायल जी हाँ। ये टनल से गुजर जाएगा, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं। देखिए अभी ट्रायल कर रहे हैं, आए हैं अफसरान हेडक्वार्टर। और फ्रेट के साथ आएगा कि पायलट? पहले लाइट इंजन आएगा, ठीक है, बाद में फिर कोचिंग रेक के साथ। और सीबी से चला दें जी हाँ। कितने बजे सुबह चलेगा? सुबह 9 बजे का टाइम से खैर देख। और यहाँ अंदाजन कितने बजे तक कोयटा पहुँच जाएगा? कोयटा 4:30 ट्रायल है तो ओपन टाइमिंग है। हाँ ओपन टाइमिंग मैं उसी के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है, कवर करने के लिए ठीक। और फिर कोयटा से परसों अगर वो अलग अलग सक्सेसफुल हो जाए।
अच्छा वो शेड्यूल चेंज हो गया, ये जीएम आए हैं ना रेलवे के, सीओज आए, सीओज आए, अब तो जीएम खत्म हो गया, सीओज हो गया। आबेगम रेलवे स्टेशन, और आबेगम रेलवे स्टेशन की ख़ासियत, यहाँ पे आपको जो भी ट्रेन सिब्बी वाली साइड से कोयटा वाली साइड पे आ रही है उसको एक इंजन एज ए बंकर इंजन दे दिया जाता है। अब ये डैश करते हुए आपको दिखाऊंगा इंजन, एज ए बंकर लगेगा, आगे का इंजन एज इट इज़ चलेगा, लेकिन पीछे एक और इंजन अटैच किया जाएगा जो कि ट्रेन को पुश करेगा, क्योंकि यहाँ से हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है तो सिंगल जो इंजन है वो उसको नहीं खींच सकता। ये यहाँ का ख़ास शरबत, ये एक ग्लास है ना, ये नहीं है 30 मिलो दे रहा है। चलें अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इंजन को कैसे अटैच किया जाता है आबेगम पे बंकर इंजन को। मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं कि आबेगम वाहिद रेलवे स्टेशन है जहां पर बंकर इंजन लगाया जाता है, आबेगम का बोर्ड बंकर इंजन लगाया जाता है, क्योंकि आबेगम से टूवर्ड्स कोयटा कोल कोयटा बहुत ही ज़्यादा स्टीप हाइट है और उसको कवर करने के लिए ये ज़रूरी है बंकर इंजन दिया जाए, उसके बगैर गाड़ी का रिवर्सल लग सकता है या गाड़ी अपनी पिक नहीं पकड़ेगी और ठीक तरह चढ़ाई नहीं चलेगी। इस वजह से यहाँ पर बंकर इंजन दिया जाता है। RG20 जो के बंक करेगा 5102,
फिर से बाद मैंने ये देखा कि यहाँ पे दो बंकर जो है वो अटैच किए जाएंगे जाफर एक्सप्रेस के साथ कोटी टाउन, क्योंकि सिबी के बाद अप हो जाती है। से हम निकले हैं जी, थोड़ा सा सांस मुझे चढ़ा हुआ है क्योंकि मैं पीछे रह गया था और ट्रेन चल पड़ी थी, बाकी मुझे पीछे बॉगी में चढ़ना पड़ा। इस ट्रेन में आज जाफर एक्सप्रेस में आज एक ये डाला
खास वजह आज उसके साथ तीन इंजन अटैच हैं, एक जो उसको पुल कर रहा है और दो बंकर इंजन है जो उसको दो लगा रहे हैं। जो सबसे पहला काम मुझे करना है वो मुझे मेरी बोगी पे पहुंचना है। चलो बोगी पे पहुंच के फिर वहां से बताऊंगा तो बाद में।